नमस्कार। आज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप सब जानते हैं हरियाणा की सरकार एक साल पूरा कर चुकी है और सरकार के सभी मंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। आज अपनी एक साल की उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए हमारे बीच हैं कृष्ण पंवार, जिनके पास परिवहन और आवास जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं। मंत्री जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक साल बीता है सरकार का, आपको किस तरह से लगा ये साल? आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के अंदर सरकार लोगों ने पूर्ण बहुमत से बनाई है और 26 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल एक साल पूरा होगा। इस एक साल के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी योजनाएं बनाई हैं जो धरातल तर पर लोग हैं, जो आम जो व्यक्ति है वहाँ तक उसका लाभ पहुँचा है और योजनाएं बना रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री की और सरकार की ये सोच है कि अब तक पूर्व सरकारों के अंदर जो पीक एंड चूज की पॉलिसी बरतते रहे, इसमें सभी लोगों, छत्तीस बिरादरी के लोगों को सम्मान मिले, समान विकास हो, समान रोजगार मिले, ऐसी योजना माननीय मुख्यमंत्री की है। जिस प्रकार से आपने कहा कि आपके पास परिवहन विभाग है, परिवहन विभाग के साथ साथ मेरे पास आवास भी है। परिवहन विभाग के अंदर मुझे तकरीबन 2-3 महीने हुए मंत्रिमंडल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने संगठन में शामिल किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री का और बीजेपी संगठन का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने बिजली बोर्ड, इसके परिवहन विभाग को जब रिव्यू किया तो इसके अंदर 450 करोड़ का एनुअल घाटा है जी, परिवहन विभाग के अंदर। लेकिन पूर्व सरकार इसके लिए दोषी है, क्योंकि पूर्व सरकार के समय में आज हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर 4200 बसों का बेड़ा है जी। उसमें से 3800 बसें आज रूट पर चल रही है, 400 बसें आज भी वो यार्ड के अंदर खड़ी हैं। और क्योंकि पूर्व सरकार में आनन फानन में किस तरीके से उन बसों खरीदा गया, लेकिन बस तो खरीद ली लेकिन टेक्निकल स्टाफ और ड्राइवर भर्ती नहीं किए, जिस वजह से करोड़ों रुपया का नुकसान हुआ, जिससे कि आज परिवहन विभाग पर पूर्व सरकार जिम्मेवार है। लेकिन मैंने पदभार संभालने के बाद हमने फैसला किया है कि 400 बसें जो यार्ड के अंदर खड़ी हैं हम उनको चलाएंगे और 600 नई बसें और भी हम खरीदने जा रहे हैं। इसके लिए हमने 1000 ड्राइवर भर्ती करने का फैसला किया है, जिसमें से 725 ड्राइवरों की एडवर्टाइजमेंट की जा चुकी है, जो पाइपलाइन में है उनका बहुत जल्दी उनके टेस्ट वगैरह हम शुरू करने जा रहे हैं, उनकी स्क्रूटनी चल रही है। इसी प्रकार से 636 हमने जो टेक्निकल स्टाफ है उनको हम भर्ती करने जा रहे हैं, उनका भी एडवर्टाइज हो चुका है, बहुत जल्दी हम उनके टेस्ट इंटरव्यू वगैरह लेंगे। क्योंकि बस जब फील्ड से आती है, यार्ड में आती है, उसकी मेंटेनेंस करने वाला ना हो तो बस स्वाभाविक तौर पर यार्ड के अंदर खड़ी रहेगी जी। हम टेक्निकल स्टाफ भी भर्ती करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से हरियाणा रोडवेज पूरे एक दिन के अंदर 33 लाख लोगों को आज बस सुविधाओं की, यात्रियों को आवश्यकता है, लेकिन हरियाणा परिवहन विभाग केवल 13 लाख लोगों को हम सुख सुविधाएँ दे पा रहे हैं। इसके लिए हमने नई बस खरीदने के साथ साथ हमारी 880 हमारे जो प्राइवेट रूट हैं वो भी चल रही हैं 4800 के साथ। लेकिन इसके अलावा हमने एक फैसला किया है कि पूरे प्रदेश के यात्रियों को सुख सुविधाएँ मिले, तो हमने एक फैसला किया है कि हम एक स्कीम लेकर आ रहे हैं जिसमें बस मालिक की होगी, ड्राइवर मालिक का होगा, कंडक्टर हरियाणा रोडवेज का होगा और परमिट हरियाणा रोडवेज का होगा। हम पर किलोमीटर के हिसाब से हम ये बसें चालू करेंगे, जिससे आम आदमी को कोई एक दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार की। प्रदेश का कोई व्यक्ति एक कोने से दूसरे कोने तक या रूरल के अंदर हर व्यक्ति को बस की सुविधाएं मिलेगी, ऐसी स्कीम हम लेकर आ रहे हैं, जिससे कि आम जनता को इसका लाभ होगा। इसके अलावा मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक डिस्कस किया है, फाइनल हमने किया है कि हमारे जो युवा हैं, जब हम ट्रेनिंग के लिए बात आती है तो आज ऑनलाइन ट्रेनिंग है जी। पहले पूर्व सरकारों पीक एंड चूज के हिसाब से ट्रेनिंग करा दिए जाते थे, लेकिन हमारी सरकार ने, हरियाणा रोडवेज ने, हमने बाकायदा जो बच्चे जो अप्लाई करते हैं वो ईमेल से करते हैं, जिससे कि उनकी सीनियरिटी बाकायदा से जुड़ जाती है और सीनियरिटी पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन वो संख्या 2-2 साल 1.5-1.5 साल की वेटिंग लिस्ट होगी, तो बच्चे का जब सीनियरिटी में नंबर आएगा तभी जाकर उसको ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा जी। इसलिए हमारे 18 ट्रेनिंग स्कूल हैं, लेकिन उसमें केवल हैवी लाइसेंस की हम ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे कहा है
कि हरियाणा प्रदेश की युवाओं को या आम आदमी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, हम सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एक ट्रेनिंग स्कूल खोलने की हमारी योजना है। उसकी हम अभी बहुत जल्दी स्कीम बनाएंगे। उसके अंदर मिनिमम 10 एकड़ ज़मीन होगी और उसके अंदर चाहे ट्रक है, चाहे बस है, चाहे कार है, मोटरसाइकिल है, JCB है, ट्रैक्टर है, सभी प्रकार की ट्रेनिंग उस ट्रेनिंग सेंटर में दी जाएगी, जिससे कोई भी युवा जो जिसकी जिसको 3 साल वेट करना पड़ेगा तो इमीडिएटली वो उस ट्रेनिंग स्कूल में लाइसेंस बनवा करके जो वो कर सकता है, अपने काम पर लग सकता है, जिससे हमारे जो बेरोज़गार हैं उनकी बेरोज़गारी भी समाप्त होगी। इसके अलावा हरियाणा रोडवेज के अंदर जैसे कर्मचारी हैं, किसी अभी आपने कहा था कि बोनस की बात भी की है, हाँ जी, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कल ही हुआ, क्योंकि मेरे लेवल से फाइल जो पेंडिंग पड़ी थी, इनका बोनस जो कर्मचारियों का ड्यू था, कर्मचारी हमारे सबॉर्डिनेट हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, तो उनका 5,000 का जो बोनस जो पेंडिंग था वो मेरे लेवल से फाइल निकल चुकी है, माननीय मुख्यमंत्री से फाइल निकल चुकी है, वो FD के अंदर है। तो माननीय मुख्यमंत्री जब मैंने FD के जो है कमिश्नर हैं मिस्टर दास हैं, उनसे हमने बात की कि फाइल को जल्दी निकालें, हम प्रदेश के कर्मचारियों को हम दिवाली से पहले जो उनका जो बोनस बनता है उसको भी देंगे, देना चाहते हैं। और समय समय पर यूनियन के नेताओं से हमारी मीटिंग भी होती रहती है जी। जिस प्रकार से पीछे हमने बैठ करके एक फैसला किया था कि यूनियन की बहुत पुरानी मांग थी कि पूर्व सरकार के अंदर 2003 से लेकर 2013 तक 8200 कर्मचारी SPL ड्राइवर कंडक्टर भर्ती हुए, लेकिन उन लोगों को रेगुलर नहीं किया गया, वो कर्मचारी हाई कोर्ट के अंदर गए, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी भाई इनको रेगुलर किया जाए, रेगुलर स्केल दिए जाएं, लेकिन पूर्व सरकार में उनको रेगुलर तो किया नहीं, जो पॉलिसी बनाई उसमें रेगुलर शब्द करना वो लिखना छोड़ दिए, लेकिन उनकी एक मांग थी कि NPC न्यू पेंशन स्कीम लागू की जाए, ACP लगे, SPL हटाया जाए, वो उन्होंने नहीं हटाया। लेकिन हमने फैसला किया है कि उस कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि जो इनको रेगुलर स्केल देने के साथ साथ ACP देने के साथ साथ इनको जो एरियर है वो भी दिया जाए, लेकिन सरकार का कर्मचारियों के बीच में बैठ करके अंडरस्टैंडिंग हुई कि हम एफिडेविट दे देंगे, हम एरियर नहीं लेंगे, हमें रेगुलर किया जाए, लेकिन उसमें 70-80% से भी ज़्यादा एफिडेविट आ चुके हैं। और हमने कहा था कि एफिडेविट जो हमारे पास पूरे आ जाएंगे हम इसको कैबिनेट में ले जा कर के हम SPL भी हटा देंगे, इनको रेगुलर शब्द को भी हटा देंगे, इनके हम ACP भी लगाएंगे और इनको NPS जो लगाना है हम वो भी उनका लागू करेंगे। इस प्रकार से और छोटी मोटी इनकी जो डिमांड है हम सभी कर्मचारियों की हम पूरी करेंगे, जिससे हमारे प्रदेश के अंदर जो हरियाणा रोडवेज है जो घाटा है हम उसको पूरा कर सकें, हमारी ऐसी योजना है।